नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे देश का सबसे भरोसेमंद चैनल वीके न्यूज। कनाडा भारत के बहुत से गद्दारों और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का ठिकाना बना हुआ है। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर भी कनाडा में छुपा हुआ था और मोस्ट वांटेड अर्श गल्ला और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कराने वाले गोल्डी बराड कनाडा में छुपे हुए हैं। लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो खुद ही इन दोनों मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को भारत को सौंपेंगे। जी हाँ, ये बड़ी खबर किसने दी वो बताया, उससे पहले आपको बता दें कि कनाडा और भारत में हरदीप सिंह निज्जर की मौत के कारण तनातनी बनी हुई है। नतीजन कनाडा को वैश्विक स्तर पर छवि उसकी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब कनाडा हो सकता है कि खुद ही खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कराने वाले गोल्डी बराड को भारत को सौंप दे। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के करीबी सांसद सुखमिंदर उर्फ सुखदिन धालीवाल ने दिया है। हालांकि निज्जर के मामले के बाद कनाडा पर लगे आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप पर इस बात पर उन्होंने कोई साफ बात नहीं की है। वो खालिस्तान का समर्थन करते हैं या विरोध, इस पर भी उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। धालीवाल ने कनाडा पर लगे आरोप की कनाडाई सरकार निज्जर की रक्षा कर रही है और उसे अपना काम करने की इजाजत दे रही है। इसमें नेटवर्किंग प्रैक्टिस, फंडिंग और खालिस्तानी टेरर फोर्स KTF के आतंकवादी मॉड्यूल का संचालन शामिल था। इसके जवाब में धालीवाल ने बड़ा खुलासा किया है। धालीवाल ने कहा, वे निज्जर का नहीं बल्कि कनाडा का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हत्या परेशान करने का मामला है। इसके आगे सवाल पूछा गया कि क्या ट्रूडो सरकार गैंगस्टर गोल्डी बराड, अर्श डल्ला और आतंकवादी गतिविधियों, जबरन वसूली और सुपारी हत्याओं में शामिल अन्य गैंगस्टरों को भारत प्रत्यारोपित करने में मदद करेगी। के जवाब में धालीवाल ने जवाब दिया, उन्होंने कहा, अगर नई दिल्ली सबूत लेती है तो हम बात करेंगे और मैं भारत का समर्थन करूंगा। धालीवाल ने यह भी कहा कि कनाडाई सांसद के रूप में वह किसी अन्य देश की संप्रभुता पर हमलों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन वह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत को हर मदद का आश्वासन देने के बाद धालीवाल ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के हिंदुओं पर हमले की धमकी को दोहराया। उन्होंने कहा, सरकार अपने नागरिकों पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मुद्दे ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने 18 जून को सरे के धालीवाल संसदीय क्षेत्र में एक गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तान समर्थक नेता निज्जर की दिन दहाड़े हत्या में विदेशी एजेंटों की संलिप्तता का दावा करने के बाद भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव पैदा हो गया है। अब आपको बता दें, नई दिल्ली के आग्रह के बावजूद निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाने के बाद कनाडाई सरकार ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है। या पूछे जाने पर कि क्या कनाडाई पुलिस के पास मामले में कोई FIR या संदिग्धों की कोई सूची है, इस पर धालीवाल ने कहा, केवल समय ही बताएगा। इस बिंदु पर मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है और उन्होंने बात की है, यही असली नेतृत्व है। कनाडा में न्यायिक व्यवस्था बहुत निष्पक्ष है। इतना ही नहीं, खुद धालीवाल ने 2019 में निज्जर से मिलने की बात को स्वीकारा है, जब उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। धालीवाल इस बात को लेकर खुद ही परेशान थे कि उन्होंने एक सांसद के रूप में सरकारी अधिकारियों को निज्जर के बारे में सचेत किया था, जब उन्हें 2020 में भारत द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था। धालीवाल कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के साथ निज्जर की निकटता को स्पष्ट नहीं कर सके। अब मूसेवाला का कत्ल कराने वाले गोल्डी बराड को कनाडा भारत को सौंपेगा या भरोसा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के करीबी सांसद सुखमिंदर उर्फ सुख सिंह धालीवाल ने दिया है। अब देखते हैं जस्टिन ट्रूडो धालीवाल की बात मानते हैं या नहीं। अब इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।